जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आम किया जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट ये क्वेश्चन करता है कि हम कौन सी जो है वो डिग्री करें। स्टूडेंट्स का बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप डिग्री कोई भी करें, जब तक आप अपनी ज़ात को पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, आपकी कोई भी डिग्री जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके नहीं जा सकती जिस तरह से उसे ले जाने का हक है। क्या आप लोगों ने इंजीनियर्स को बेरोजगार नहीं देखा? क्या आपने डॉक्टर्स को पैसों का रोना रोते नहीं देखा? क्या आपने वकला को और टीचर्स को जो है वो इसके मुतल्लिक बात करते नहीं सुना कि हमारा उस तरह से काम नहीं है जिस तरह से होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने अपनी ज़ात को पॉलिश नहीं किया होता, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया होता। जब तक आप पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं करते, आपकी डिग्री आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा सकती। लेकिन जब आपने काम किया हो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, अपने जो शख्सियत है उसको निखारा हो, तो आर्ट्स की डिग्री रखने वाला शख्स मोहम्मद अली से कायद आज़म जो है वो बन जाता है। आर्ट्स की डिग्री रखने वाला जो इकबाल है वो शायर मशरिक बन जाता है। और बड़ी बात करूं तो ये एक अनपढ़ शख्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का सिस्टम दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं अब्दुस्तार इदी की। तो स्टूडेंट यहां पर ये दो तीन एग्जांपल्स अगर हम देखें, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोगों की डिग्री जो है उसने उन्हें पॉलिश नहीं किया, हाँ जो उनकी स्किल्स थी वो उन्हें कहाँ का कहाँ ले गई। रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, एक शख्सियत जो है वो हमसे जुदा हुई, मैं बात कर रहा हूँ तारक अजीज़ की। तो आप देखें कि क्या तारक अजीज़ जो है वो मेडिकल का स्टूडेंट था, या वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, या उसके पास लॉ की डिग्री थी? नहीं, वो रोड के ऊपर गलियों और चौराहों में सोने वाला शख्स जो है वो असेंबली का मेंबर बनता है। और असेंबली का मेंबर नहीं बनता सिर्फ, बल्कि वो हमारे और आपके दिलों की धड़कन बन जाता है। वो अदब की जो दौर है उसमें एक अपना अपनी मिसाल आप जो है वो रखता है। सो मैं अपनी बात को सिर्फ कंक्लूड इसी पे करना चाहूँगा कि आप डिग्री कोई भी लें, लेकिन आप अपनी शख्सियत के ऊपर भी काम करें, आप अपनी स्पेशलिटी को कोशिश करें कि उसको निखारें। जब आप अपनी स्पेशलिटी को निखारते हैं तो फिर आपकी वो डिग्री आपको भी चार चांद लगाती है और आपका मुस्तकबिल जो है उसे भी रोशन करती है। होप सो कि आप जो है वो आज का मैसेज अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसिस के इस पेज के साथ जो है वो वाबस्ता रहें। अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।